कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू अ कंप्यूटिंग डिवाइस सो दैट इट कैन परफॉर्म टास्क फॉर इट्स यूजर्स विच आर बेसिकली ह्यूमंस अब जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो देर आर सेवरल हाई लेवल लैंग्वेज अवेलेबल विच कैन बी यूज फॉर प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटिंग मशीन्स अभी हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज हैं विच आर यूज बाय ह्यूमंस अब वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पाइथन पाइथन की क्या एडवांटेज है क्या अहमियत है बेसिकली पाइथन इट्सल्फ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग इससे मुराद ये है कि इसमें जो भी हम काम करेंगे दैट वुड बी अंडर द पैराडाइम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएटेड द थिंग इज दैट कहाँ पर इसकी एप्लीकेबलिटी है पाइथन का ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड टैक्स प्रोसेसिंग बेस्ड मेथड में या टेक्सट प्रोसेसिंग बेस्ड एप्लीकेशन में बहुत बेहतर नाम है इससे मुराद क्या है और हाउ इट इज़ रिलेटेड टू बाई इन्फॉर्मेटिक्स बायोफॉर्मेटिक्स में हम जानते हैं कि डाटा जो है या तो वो सीक्वेंस बेस्ड में है जैसे डी एन ए आर एन ए का डाटा है या स्ट्रक्चर बेस्ड है या फिर रिटर्न पब्लिकेशन की फॉर्म में है हैविंग सेट दैट मोस्ट ऑफ द डाटा जो है वो रिसर्च एबस्ट्रैक्ट्स रेफरेंसेस पब्लिकेशंस इस फॉर्मेट में अवेलेबल है इस वजह से पाइथन एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स अब यहाँ पर हमने स्लाइड्स में थोड़ा सा पाइथन का इंट्रो दे दिया है जिसमें उसके ऑथर का नाम देन वट आर डिफरेंट एडवांटेज ऑफ पाइथन विच आर इट इज़ अगेन फ्रीली अवेलेबल यानी कि इसके लिए हमें कोई लाइसेंस वगैरह नहीं खरीदना पड़ता कोई कॉस्ट नहीं है फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स इसमें हम एडिशन कर सकते हैं चेंजेस कर सकते हैं इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड इट इज़ इंटरप्रेटेड इंटरप्रेटेड मीन्स कि हम इसे इंटरप्रेट करते हैं कंपाइल्ड नहीं करते देन द वन थिंग इज डायनेमिक टाइप इसको मैंने सेपरेट इसलिए लिखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन डाइनामिक प्रोग्रामिंग डनेमिक और टाइप लैंगवेज डेटा टाइप और कमांड्स आर बेसिकली अंडरस्टैंडबल और चेक एट द रन टाइम यानी कि इंस्टेड ऑफ कम्पाइल टाइम इसमें जो एरर्स आते हैं उन्हें हम रन टाइम पर चेक करते हैं वाइप आईथान क्यों हम आईथॉन को यूज़ करते हैं एज ए सेट अर्लियर इज़ इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इट इज़ ऑब्जेक्ट और बेस्ड इट इज़ एक्सटेंसिबल एक्सटेंसिबल से क्या मुराद है लेट्स से कि डिफरेंट जो हमारे पास प्रोग्रामर्स हैं दे आर वर्किंग ऑन पाइथन बेस्ड प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम अब एक्सटेंसिबल से मुराद ये है कि इसमें एक्सटेंशन हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम सपोज एक प्रोग्रामर ने कोई चीज़ चेक की कि इसमें ये लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं थी तो उसने वो लाइब्रेरी लिखी और उसमें ऐड कर दी एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज सच एज सी शार्प और वी बी डॉट नेट विच आर ओन बाई माइक्रोसॉफ्ट इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू एक्सटेंड दोज लैंग्वेज बिकॉज दे आर प्रोप्रिटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर जो प्रोपायरिटी है वो ओपन है कि जिसके अंदर आप सिंपल एडिशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन के आप सारी दुनिया पे ये कहते हैं कि भाई ये इसमें कमी है तो इसे एक्सटेंड किया जा रहा है देन इट इज़ अ रिच बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स डाटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं और क्या इनकी रिचनेस है इसको हम थोड़ा सा अभी इसी मॉड्यूल में थोड़ा डिटेल में देखेंगे मूविंग ऑन अब पाइथन को कैसे रन किया जाए इसका कौन सा ऐसे टूल है जिसके थ्रू हम इसे यूज़ करते हैं तो जैसे हमारे पास नोट की फाइल होती है इसी तरह हमारे पास एक ई मैक्स का आई ID डी ही आई डी ई से मुराद होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट इससे मुराद क्या है कि एक ही जगह पे हमारा लिखने वाली जगह जहाँ पे हम लिखते हैं जैसे हमारे पास नोट पैड की फाइल है या वर्ड की फिर कंपाइलर कि हम उसे कैसे कंपाइल करते हैं और फिर रन उसे कैसे करते हैं ये सब की सब चीज़ें एक ही जगह पे हों जैसे कॉमन आईडीज़ हमारे पास जावा के लिए एक्लिप्स और नैटबीन्स है फॉर सी और सी शार वी वी डॉट नेट वी हैव माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो आई डी इसी तरह पाइथन के लिए हमारे पास जो आईडी है दैट इज़ ई मार्क्स जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं विच इज़ शोन इन दिस फिगर ऑल्सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो पार्ट है दिस वन ये वो पार्ट है जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं वट इज़ द डिटेल ऑफ़ दिस प्रोग्राम ये हम नेक्स्ट मॉड्यूज में देखेंगे कि किस तरह उसके पार्ट्स लिखे जा रहे हैं जस्ट फॉर शोइंग यू कि कैसे काम करता है हमने यहाँ ये यह बताया कि ये हमारा वो पार्ट है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं और यहाँ पे उसके रिजल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं मूविंग ऑन वट इज़ द सिंटेक्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम या दूसरे लफ्ज़ों में कि अगर हम एक हेलो वर्ड का जो इंट्रोडक्टिव प्रोग्राम होता है लिखना चाहते हैं पाइथन में तो कैसे होगा तो यहाँ पे सिंपल पाइथन के लिए ये है कि अगर हम उसमें प्रिंट हेलो वर्ड लिखते हैं जैसा यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट और फिर ये हेलो वर्ड कमांड तो सिंपल हमें कमांड प्रॉ पे शो कर देगा कि भाई ये आउटपुट है या ई e मार्क्स के एडिटर में हमें शो करेगा कि हेलो वर्ड इज़ द सिंपल अच्छा अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है कि अगर हम ये चीज़ देखें जो फर्स्ट लाइन है दिस वन विच इज़ स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर सिंपल ये कमेंट है कमेंट क्या चीज़ होती है जो हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि प्रोग्राम क्या होगा अच्छा अब ये जो हमारे पास डबल कोर्स आई हैं जैसे ये हेलो वर्ड वाली ये हमें बताती हैं कि इनके दरम्यान में कोई हमारे पास स्ट्रिंग के लेटर होंगे यानी कि जो चीज़ लिखी हुई होगी वो स्ट्रिंग्स होंगी करेक्टर वैल्यूज़ होंगी और प्रिंट एक कमांड है जो पाइथन के अंदर हमें प्रिंट या आउटपुट करने में हेल्प करती है गाइड करती है पाइथन डाटा टाइप्स कौन सी हैं एज एवरी लैंग्वेज हैज इट हैज न्यूमेरिक टाइप्स सच एज इंटीजर लॉन्ग फ्लोर डेसीमल एंड सोन सिमिलरली इट हैज़ वेरी गुड लाइब्रेरी ऑफ सीकवेंस टाइप सच एज्रिंग यूनिकोड लिस्ट टप्पल एंड सोन देन इट हैज़ कलेक्शन टाइप्स कलेक्शन टाइप्स से मुराद क्या है सेट्स हैं हमारे पास जिसमें मुख्तलिफ्जेक्ट्स को हम एक साथ रख सकते हैं सिमिलरली वही हैव डिक्शनरी जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की उनके आंसर के साथ या उनकी वैल्यू के साथ उनकी डिक्रिप्शन के साथ रिजल्ट रख सकते हैं अदर टाइप सच एज बोलियन जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है मोर ऑन पाइथन एज आई इस डरलीयर इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑरिएटेड लैंग्वेज और इसके अंदर डिफरेंट फंक्शन अवेलेबल हैं जिनको एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम देते हैं तो वो फंक्शन प्रोपिगेट uh, हो जाता है और हम रिजल्ट देख सकते हैं दैन इट हैज़ कंट्रोल फ्रॉ स्टेटमेंट्स लूप्स वाइल्ड लूप फॉर लूप इफेल स्टेटमेंट एंड सोन सो इट इज़ अ वेरी वेरी कम्प्लीट एंड कॉम्पैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हैज़ वेरी वेरी गुड अपीलीकेशन अराउंड द वर्ल्ड